आज हम आपको इंजीनियर्स बोलते हैं, एक नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या इसके शेयर्स खरीद लेने चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कितने दिन होल्ड करें, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इस बात की भी चर्चा होगी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल कैसे हैं, ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कहना है, आपको मिल जाए। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को स्किप ना करें। नुकसान हो सकता है, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या हमें संपर्क करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ लें। सब्सक्राइब करिए हमारी प्रीमियम सर्विस। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक आप हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, रेजर पे लिंक पर क्लिक करें, सर्विस को एक्टिवेट करें और पाएं उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी अपने व्हाट्सएप पर जो आपको जल्द ही मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अर्न करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए, हमें कॉल करें। अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टीजमेंट हमारे यूट्यूब बिजनेस ग्रो करें। सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को जिससे स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और रिवॉर्ड में पाएं ऐसे स्टॉक्स जो आपको बहुत ही जल्द मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अनवरत्न कंपनी की वेबसाइट पर हैं आप। आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रही इमेजेस को देखिए। कंपनी के प्लांट हैं इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स फॉर एन एनर्जाइज्ड टुमारो। तो इंजीनियर्स का बहुत ही योगदान होता है किसी भी देश की प्रगति में, और इंजीनियर्स इंडिया कंपनी वैसा ही इंडिया को ग्रो कराने के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है। चलो इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माइनिंग एंड मेटलर्जी में काम करती है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। चलिए इनके बिजनेस हम आपको बता देते हैं। इनके बिजनेस हैं हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ऑनशोर ऑयल एंड गैस, ऑफशोर ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स पर काम करती है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पर काम करती है जैसे पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। माइनिंग एंड मेटलर्जी पर काम करती है। पावर पावर जनरेशन में काम करती है जैसे सोलर एनर्जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करती है। वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम करती है। देखिए इनके बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई हैं। कुछ ट्रैक रिकॉर्ड आपको जानने चाहिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। 89 मेजर रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। 12 मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं। 44 ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स। 213 ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। 50 पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। 33 माइनिंग एंड मेटलर्जी प्रोजेक्ट्स। 11 फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स। 14 पोर्ट्स एंड स्टोरेज टर्मिनल्स। 40 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 24 टरंकी प्रोजेक्ट्स। तो देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। मेजर प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो इस बेहतरीन कंपनी में कैसे निवेश करें ये हम आपको बताने वाले हैं। बिजनेस के बाद क्या सर्विसेज है ऑफर करती है ये कंपनी, तो सर्विसेज के बारे में भी जान लीजिए। EIL प्रोवाइड्स एंटायर गमेट ऑफ इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड EPC सर्विसेज विथ हाईएस्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। टेक्नोलॉजी एंड कमर्शलाइज्ड टेक्नोलॉजी की सर्विस देती है कंपनी। प्री फीड एंड फीड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMC, EPCM, EPC, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विस देती है और स्पेशलाइज्ड सर्विस भी देती है कंपनी। हीट एंड मास ट्रांसफर,
प्लांट ऑपरेशन एंड सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की सर्विस देती है ये कंपनी। इनके मेजर प्रोजेक्ट्स की पिक्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। चलिए इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया करंट मार्केट प्राइस है 65 रुपीज 5 पैसे, फ्लैट बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन का स्टॉक है, 1 वीक में 2.19% का रिटर्न, 1 मंथ में 4.40% की गिरावट, 1 ईयर में 21.86% की गिरावट, 3 ईयर्स में 42.79% की गिरावट और 5 ईयर्स में 55.75% की गिरावट आ चुकी है इस स्टॉक में। परफॉर्मेंस देखिए, 52 वीक लो 58 रुपीज़ का है, 52 वीक हाई 89.50 का है। 52 वीक हाई से एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है। एनालिस्ट का क्या मानना है इस स्टॉक के बारे में? बाई करने के लिए बोल रहे हैं 88%, होल्ड करने के लिए 0%, सेल करने के लिए 13%। एग्रीगेटेड बाय रिफिनिटिव फ्रॉम 8 एनालिस्ट, सभी एनालिस्ट जो हैं रिफिनिटिव से एग्रीगेट किए गए हैं। मार्केट कैप देखिए, 3,656 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो 16.31, पी बी रेशियो 2.09, इंडस्ट्री पी 10.71, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.98%, ई पी एस 1.49, डिविडेंड ईल्ड बहुत ही शानदार 4% की है, बुक वैल्यू 30.88 की है। फाइनेंशियल्स देखिए, रेवेन्यू जो है इनके रेवेन्यू में गिरावट है, प्रॉफिट में एक अच्छी जंप देखी जा रही है, नेटवर्थ में भी गिरावट है। ईयरली देखिए नेटवर्थ में गिरावट चल रही है, प्रॉफिट भी इनके गिरे हुए गिरावट है अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती वार्तिका शुक्ला हैं। कंपनी स्थापित हुई 1965 में, एनएसई सिंबल इंजीनियर इंडिया के नाम से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 51.3, के पास 29.98% की होल्डिंग, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 6.81% की होल्डिंग। टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने स्टॉक में निवेश किया है, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर 1.22% की होल्डिंग, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 0.72% की होल्डिंग, एचडीएफसी स्मॉल कैप 0.57% की होल्डिंग, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग 0.54% की होल्डिंग इनके पास है। सिमिलर स्टॉक्स हैं लार्सन एंड टुब्रो, वोल्टास, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, केईसी इंटरनेशनल, केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां हैं। कंपनी में क्या हो रहा है, इवेंट्स और न्यूज जो निकल कर आ रही हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इवेंट्स जो हैं, डिविडेंड अनाउंस हुआ है 16 फरवरी 2022 को, एक्स डेट थी। अगर आपके पोर्टफोलियो में आप चेक कर सकते हैं। डिविडेंड हिस्ट्री बताना चाहेंगे, साल में 3 बार डिविडेंड देती है, 2 रुपीज 0.6 रुपीज 1.4 रुपीज के। बोनस राइट एंड स्प्लिट जैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टॉक के बारे में। न्यूज क्या निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना जरूरी है, दीपक गुप्ता टेक्स चार्ज एज डायरेक्टर फॉर प्रोजेक्ट्स एट गेल, बोर्ड ऑफ इंजीनियर्स इंडिया रिकमेंड्स इंटरिम डिविडेंड, इंजीनियर्स इंडिया गेन्स ऑन स्ट्रेटेजिक अलायंस विथ चैम्पलाइज। तो इस प्रकार की न्यूज है इस स्टॉक के बारे में। चलिए हम टारगेट भी बता देते हैं इसके। इसकी स्ट्रेंथ है 6, वीकनेस भी 6 है, अपॉर्चुनिटीज हैं 3, थ्रेट भी 3 है, मार्केट लीडर है, ब्रोकर एवरेज टारगेट के मामले में 3 एक्टिव बाइज है, मार्केट रनर अप है, मार्केट कैप के मामले में टारगेट दिया है 95 का मोतीलाल ओसवाल ने, एलटीपी है 65.05, बाई की रिकमेंडेशन है, अपसाइड मिल सकती है आपको 46.04 की। इसके पहले मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को 65.05 पर ही, 95 रुपीज़ का टारगेट दिया था, सिक्योरिटीज ने भी लिमिटेड ने इसको 109 का टारगेट दिया था, बाई रिकमेंडेशन किया था, रिकमेंडेशन है इस स्टॉक में और इनके टारगेट